भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहा हो सांवरिया, कहा हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। ये भजन सच्ची घटना पे आधारित है। थोड़ा शांति बनाए रखें। दिल्ली का एक परिवार जो नहीं जानता श्याम बाबा कौन है, खाटू धाम कहां है, इंटरनेट के माध्यम से भजन सुन लिया, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। देखिए, आपने बिहारी जी के किस्से सुने होंगे कि कैसे बिहारी जी प्रेमियों का काम कर देते हैं। श्याम बाबा की भी तकनीक वैसी ही है। दिल्ली का एक भगत जिसका 6 महीने का बेटा और धर्मपत्नी नहीं जानते श्याम बाबा कौन है, कहां रहता है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं, भजन सुन रहे हैं इंटरनेट पे, मन में आ गई, खाटू चलते हैं, ये भी नहीं पता कहां है, और जहां जा रहे हैं वो सच में खाटू धाम है क्या, गूगल में डाला नेविगेशन में खाटू श्याम जी राजस्थान, और गाड़ी में बैठ गया बच्चों को लेकर, कोई 11 नहीं, कोई 12 नहीं, अनजाने में श्याम कुंड के पास कहीं धर्मशाला ले ली, और उस जगह सन्नाटा होता है, दो आदमी और एक औरत मिले उसे, बोले खाटू आए हो तो चलो निशान चढ़ा लो बाबा के। उसके मन में आई सो के क्या करेंगे, निशान चढ़ा लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, प्रेमी सच्चा था, भाव से खाटू आया था, बोला तुम रुको मैं तैयार होके आता हूं, मंदिर के बाहर धर्मशाला के बाहर फट्टे पर एक बाबा जी लेटे हुए थे, बोले बेटा कहां जा रहा है, बोला बाबा जी निशान चढ़ाने जा रहा हूं, बोले बेटा रात के 1:30 बज रहे हैं, मत चढ़ा, कोई लूटपाट हो जाएगी, बोला नहीं बाबा जी, खाटू रोज रोज थोड़ी ना आया जाता है, आप बुजुर्ग हो सो जाओ, हम तो निशान चढ़ाएंगे। तैयार होने अंदर गया, तैयार होके बाहर आया, 6 महीने का बच्चा गोद में लिया, धर्मपत्नी को साथ लिया, इतने में जो बाबा जी सो रहे थे वो भी खड़े हो गए, बोला मैं मुझे भी मेरे साथ अपने साथ ले चलो। प्रेमी बोला अभी तो आप कह रहे थे कि जाना ही नहीं है, अब आप तैयार क्यों हो गए, क्यों मेरे साथ जा रहे हैं। बाबा जी बोले मुझे ले चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा, साथ चल पड़े। रिंगस से निशान उठाया, टोल नाके तक आते आते वो दोनों आदमी और वो औरत जो लूटने के लिए उनके साथ चले थे वो गायब हो गए। भगत पहली बार आया था, 6 महीने का बच्चा गोद में था, रात के 2:30 बजे धर्मपत्नी साथ में, और रिंगस से निशान उठाया हुआ टोल के पास आकर घबरा गया कि कहीं ये जो बाबा हमारे साथ चल रहा है कहीं यही तो गड़बड़ नहीं कर देगा। तब बाबा ने बच्चे के कंधे पे हाथ रखा, बोले बेटा चिंता मत कर, तुझे मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा और खाटू की रौनक भी दिखाऊंगा। सुबह 4:30 बजे दर्शन करवा के रिंगस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया तीनों को। दिल्ली के भगत ने बोला बाबा जी आपने यहां तक तो ले आए, क्या अब किसी सही धर्मशाला में कमरा मिल जाएगा।
सामने से बाबा जी की आवाज आई, तुम धर्मशाला में कमरे की बात करते हो, यहाँ का पत्ता पत्ता मुझे जानता है, जहां जाओगे कमरा मिल जाएगा। दिल्ली का आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है, जल्दी सवाल कर लेता है। उस दिन उसने भी यही किया, उस बाबा जी को पूछ बैठा, आप खाटू वाले श्याम जी बोला। बाबा जी मुस्कुराए और चल गए। 3 साल हो गए, हर महीना खाटू जाता है, मगर वो बात नहीं बन पाती जो पहली बार में हुई थी। भगत आवाज लगाता है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। बोलिए, अजी भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी। बुलाना, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा। किस किस का सहारा बाबा था, आओ दोनों हाथ उठा के। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, हर जगह ये भजन नहीं गाता। इधर आओ, श्याम बाबा को देना है, ये मैं दे दूं, ये मेरे नहीं है। सुनो, इधर आओ, एक काम करोगे, आपकी कितनी उम्र है, एज उम्र कितनी आपकी? 5 साल के हो। मंदिर जाते हो? मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, है ना? ये दोनों उनको दे दो, ठीक है? जाओ। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, सांवरिया, मुझे तेरा सहारा। भाई साहब, मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, और देखो कितने सारे भगत आए हैं, ये सारे ताली बजा रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल नहीं है, और आपके बड़ा ताली नहीं बजा पा रहा है, आपके चक्कर में। आ जाओ, हाथरस आ जाओ, इसका भी बेड़ा पार लगने दो और अपना भी लगा लो। कौन सा है ये? ओप्पो नहीं है ये? ओफो भाई साहब, ओ भाई साहब, ये लो, यही रखो फूल, रखो। आधे घंटे तक कोई कलाकारी कोई नहीं करेगा मेरे अलावा, यहां बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ। ये क्या है? इसका असली नाम कलेश है। पहले क्यों नहीं होता था घर में कलेश? सास और बहू की लड़ाई हुई, 15 दिन में चिट्ठी गई, 15 दिन में जवाब आया। अब 9 बजे लड़ाई होती है, 9:15 बजे वीडियो कॉल पे आंसू मम्मी। छोड़ दो इसे, कहीं तो छोड़ दो। तार तार से तार कोई मिलाता नहीं, और पैर कहते खाटू वाला आता नहीं। मिलाओ जरा तार, तेरा हाथ उठा के ये बात। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है।
हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, मुझे तेरा सहारा है। हे बाबा, जो उठाए दोनों हाथ आप उनके साथ उनके घर चले जाना आज। जो बजाए ताली, ये सुन रहे हो तालियां बाबा, ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये तालियां आपके लिए बज रही हैं। जो जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर के ताले की ताली खोल के इनके घर चले जा रहे हैं। जो दोनों हाथ उठा रहे हैं, इनकी भैया पकड़ लेना। जब जब फागुन मेला आए, क्या होता है, बाबा को तेरी याद सताए। जब जब फागुन मेला आए, बाबा को तेरी याद सताए। रंग भरे जीवन में क्यों तू रंग लगाए रे, खाटू आ जा प्यारे तुझको शाम बुलाए रे, खाटू आ जा प्यारे तुझको शाम बुलाए रे। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, चाहे ऊंचा मत गाना, अंदर बैठे शाम को सुनाना। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, धार में नैया है, वो बड़ी दूर, बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। रिंग से खाटू के रास्ते के बहुत करिश्मे हैं, मैं आपको सुनाता सुनाता थक जाऊंगा, लेकिन करिश्मे खत्म नहीं होंगे। पटना का एक प्रेमी, सुन लिया बाबा का भजन, चल पड़ा पटना से धर्मपत्नी को लेकर। मैं बार बार परिवार की चर्चा क्यों करता हूं, ध्यान देना मेरे भाइयों, जब भी निशान उठाओ कोशिश करना पूरा परिवार साथ हो, कोशिश कर लो। पटना से चला वो, उसका एक शौक था सारी उम्र का, वैष्णो देवी गया वहां से सिक्का मिला जिसमें माता की तस्वीर वो रख ली, तिरुपति गया जहां पर तिरुपति बालाजी वो रख लिए, करते करते सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए। जब खाटू के लिए चलने लगा, मन में आया ये सारे सिक्के श्याम बाबा को चढ़ा दूंगा, जेब में डाल लिया। अब तू जाने और तेरा काम जाने। रिंगस से रात को 2 बजे चला निशान लेके, रस्ते में वही बाबा जी मिले। उसको लगा कि कोई लूटपाट हो जाएगी, बाबा जी को बोला चलो यहां से, कोई 5-10 रुपया नहीं है मेरे पास। बाबा जी बोले कुछ तो दे दे। बाबा का कुछ नहीं पता किस रूप में आए,
उससे प्रेम से मिला करो, पता नहीं किस रूप में आ जाए वो। 5-10 रुपया मांगने आ गया, भगत ने धक्का दिया, चलो यहां से, फिर नहीं माना, फिर मांगने लग गया, वो डर गया। और मालूम रात को 2:30 बजे रस्ते में खड़ा होके कहता, बाबा मैं तो तेरा निशान चढ़ा रहा था, ये बाबा कहीं कोई लूटपाट तो नहीं कर लेगा। इतने में पीछे से कंधे पे हाथ रख के बाबा बोला, अरे जो सिक्के इकट्ठे करके लाया मेरे लिए ही तो लाया, वही तो मांग रहा हूं यार। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, ओ बड़ी दूर किनारा है। आंखें बंद कर लेना, कहीं ना कहीं वो पंडाल में भी बैठा है, पता नहीं किसके बगल में बैठा है, लेकिन दोनों हाथ उठाओगे तो हाथ पकड़ लेगा। भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है, अच्छा भजन अच्छा लग रहा है, जरा तालियां मुझे एक बार कैमरा घुमा दो। खाटू जावे चल्ला, खाटू जावे शाम से मंग के आवे, शाम से मंग के आवे, बगल सुन छल्या ढोला बैठा दबाया रोला। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है, प्रेम से ये भी है ना अपने पास। ये ब्रज वाले हैं, ये तो खड़ताल पे भी 3-3 घंटे निकाल देते हैं, इनको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं, ये तो बस बाबा आया है, कोई और नहीं आया, बांके बिहारी से मिलने खाटू वाला। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है, बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है। एक एक शब्द मुझे दुनिया वाले बताते हैं, अपना करिश्मा तब लिखता हूं मैं, मुझे कोई भी काल्पनिक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार मेरे सामने खड़ा है। किसी को दिखता होगा श्रृंगार दिखता होगा, लेकिन मुझे तो दोनों हाथ दोनों टांग दोनों आशीर्वाद देता हुआ नजर आता है। कैसे दिल वाला जयपुर का प्रेमी, हर 11 पे खाटू जाता, अब की बार 10वीं को पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, पेट में पथरी निकली, बोला अगर दर्द से निजात माना चाहते हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कितने दिन लगेंगे? बोले 3 दिन लगेंगे। एक एक अरे बाबू। बोले 3 दिन लगेंगे। बोले इसका मतलब 11 भी गई और 12 भी गई। बोला ऑपरेशन कैंसिल। समझना बात को, अगर तुम दिल वाले हो तो वो दिल वाला है, तुम कंजूस मक्खी चूस वो भी नहीं देने वाला। दिलेरी बराबर दिखानी पड़ेगी, किले तेरे भरोसे हो गई गाड़ी, अब स्टेरिंग भी तुम पकड़ो और बोलो गाड़ी भी तेरी, कैसे पड़ेगी बात, छोड़नी पड़े, स्टेरिंग छोड़ दो,
बस रेस दबा के रखो, स्टेरिंग उसको चलाने दो, जहां मोड़ना होगा मोड़ दे, बोला ऑपरेशन कैंसल। मैं पहले खाटू जाऊंगा, कड़ी कचौड़ी खा के आऊंगा, फिर ऑपरेशन कराऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे दे दो। बोले क्यों? बोला एक आपसे भी बड़ा डॉक्टर है, उसको दिखा के आऊंगा। क्या किया? हर बार खीर चूरमा लेके जाता था, अब की बार नहीं लेके गया, अब की बार सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके गया और जाके मंदिर में खड़ा हो गया। बाबा ये देख क्या क्या दे रहा है तू आजकल अपने भक्तों को। बगल में आगरा का प्रेमी खड़ा था, अरे क्या है, क्या लेके आया बाबा के लिए? बोला अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। बोला बाबा खाएगा है? अंदर किसको? शाम भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम। जयपुर वाले को भी चंबा हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? लेकिन वो प्रेमी नहीं था। बोला अंदर रख। बोला क्यों? बोला पिछले महीने कोठी ली थी, उसकी रजिस्ट्री दिखाने लाया था। ओए बजा, क्या हो गया? नजर हटी, बोला पिछली बार पिछले महीने कोठी ली थी, उसकी रजिस्ट्री तो लेके नहीं आया, पेट में दर्द हो गया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आया है। जा ले जा, कुछ नहीं है तुझे। वही हुआ, जयपुर गया, डॉक्टर को बोला साहब ऑपरेशन कर दो। बोला तू खाटू से होके आया है, तेरा अल्ट्रासाउंड दोबारा करना पड़ेगा, लेट जा। लेटा, अल्ट्रासाउंड दोबारा किया, डॉक्टर को गुस्सा आ गया, बोला खड़ा हो यहां से। बोला क्या हुआ? बोला पागल समझता है, कहां से ऑपरेशन करा के आया? बोला क्या हुआ? बोला तेरे पेट में कुछ ना है, तुमसे मांगेंगे लेने वाला। जग से हार गए, जो जग से